जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ इस पर लेकर के दो तरह की विचारधारा है। उस विचारधारा में एक विचारधारा ये है कि धर्म क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है। तो पहले हम लोग धार्मिक अप्रोच को देखेंगे कि अर्थ के उद्भव और विकास के पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि धर्म ग्रंथ में पृथ्वी के उद्भव को लेकर के विभिन्न धर्म ग्रंथ कहते क्या हैं। आप देखिए, हिंदू धर्म के हिंदू हैं तो ये कहता है कि पृथ्वी का उद्भव और विकास ब्रह्मा ने किया, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। इस्लाम को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि धर्म के उद्भव का श्रेय जाता है इस्लाम को। और सबसे मज़ेदार पहलू तो यह भी है कि ईसाई धर्म वाले लोग मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद इस्लाम का जन्म हुआ। तो कुल मिला के सब धर्मावली वाले लोग अपने अपने अंदाज में धर्म के उद्भव और विकास की पूरी कहानी को बयां करने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हिंदू धर्म को ही उठा के देखें तो अवतारवाद की कड़ी और हिंदू धर्म का जो फॉर्मेट अभी है, उस फॉर्मेट की कड़ी को बतलाने का काम जो करता है वो गुप्त काल में है। लेकिन सच्चाई यही है कि पृथ्वी का उद्भव और विकास गुप्त काल से पहले अगर चला जाए तो आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता में भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सवाल ये पैदा होता है कि पृथ्वी के उद्भव और विकास को लेकर के अगर हिंदू धर्म की कथनों को माना जाए तो सच्चाई तो यह भी है कि पृथ्वी का उद्भव गुप्त काल से कम मोटे तौर पर 2000 साल पहले हो चुका था। इस्लाम का जन्म 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब के जन्म के बाद हुआ है। तो सवाल यह भी तो पैदा होता है कि यह कहना कि इस्लाम के मुताबिक धर्म का उद्भव और विकास हुआ, ये गले के नीचे नहीं उतरता। तीसरा चीज़, ईसा मसीह के जन्म से पहले और बाद, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी इतिहास था और ईसा मसीह के जन्म के बाद भी ईसा है, ये इस इतिहास है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पृथ्वी के उद्भव और विकास को धर्म के माध्यम से परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, अभी रिलीजन चाहे जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब पृथ्वी के उद्भव और विकास के बाद की कहानी है। सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि धर्म का ही जन्म कहाँ से हुआ। तो धर्म के जन्म की कहानी को लेकर के अगर पूरी कड़ी को देखा जाए तो ये एक अलग कहानी को बयां करता है। धर्म भय का परिणाम है बॉस। धर्म के प्रति लेकर के देखिए, जब प्रारंभिक कालखंड में जब मानव प्रकृति की गोद में कंदराओं और गुफाओं में रहा करते थे, इमेजिन कीजिए जिस जगह पर मानव है वहीं पर कहीं कड़ाके की गर्मी को पड़ना, कहीं कड़ाके की सर्दी को पड़ना, ज़बरदस्त बारिश को होना, अंधड़ और तूफान को आना, मानव को समझ में नहीं आता था कि इन तमाम प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि इन तमाम घटनाओं के पीछे के का कारण क्या है, कौन सी अलौकिक शक्ति मानव प्रारंभिक कालखंड से ही प्रकृति की इन तमाम घटनाओं को परिमार्जित परिभाषित करने की कोशिश करता रहा, और जिसको मानव ने परिमार्जित और परिभाषित कर लिया, अर्थात प्रकृति के जिन घटनाओं को मानव ने जान लिया उसका नाम धर्म दिया, और जिसको जान ना सका, जैसे सूरज उगता है, बारिश हो रही है, अंदर आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो लगा कि एक ऐसी शक्ति है, इस शक्ति को मानव कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जहाँ पर उन लोगों को यह एहसास हुआ या आभास हुआ कि मानव इन तमाम शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका नाम धर्म दिया, क्योंकि वहीं पर मानव ने प्रे करना, प्रार्थना करना सीख लिया। उसको ये एहसास हो गया कि मानवीय शक्ति से ज़्यादा कोई और बड़ी शक्ति है जिसको मानव कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। मानव ने जिसको कंट्रोल किया उसका नाम जादू दिया, और जिसको कंट्रोल कर ना सका उसका नाम धर्म दिया। अब सवाल ये पैदा आता है होता है कि मानव स्वप्न क्यों देखता है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसके निकल जाने मात्र से मानव की मृत्यु हो जाती है। तो इस पर टाइलर ने अपना सिद्धांत दिया। टाइलर का सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिद्धांत था कि मानव जब निंद्रा अवस्था में होता है तो मानव के शरीर में दो तरह की आत्मा होती है, एक अस्थिर आत्मा, एक भ्रमणशील आत्मा। तो भ्रमणशील आत्मा जब कभी कहीं चला जाता है तो वही स्वप्न का कारण बनता है,
और उस अवस्था में, अवचेतन अवस्था में, जिसकी आत्मा जहाँ जहाँ को भटकी होती है, वहाँ का लाइव टेलीकास्ट मानव को स्वप्न में दिखाई देता है, तभी तो जीवंत लगता है, लगता है कि उस तमाम चीज़ को हम देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो आत्मा, भ्रमणशील आत्मा इतनी कोसों दूर चली जाती है कि लौट कर वापस नहीं आती, और वही मानव का मृत्यु का कारण बनता है। यही कारण था कि प्राचीन कालखंड में हरित सौदाह की प्रक्रिया चलती थी। हरित सौदाह का मतलब क्या है? हरित सौदाह का मतलब होता है, हरित सौदाह का मतलब होता है कि मानव के पार्थिव शरीर को वहाँ रख दिया जाता था, दूर रख दिया जाता था, क्योंकि उसके अंदर का ये भाव होता है, आज क्लास ऊपर ऊपर चल, मानव शरीर को, मानव को पहले ये भाव होता था कि मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मा भटकी है वो लौट कर वापस आएगी। ठेठ में मरे हुए बॉडी को दूर रख देता था गांव, अपना घर से बाहर, ताकि उसकी भटकी हुई आत्मा रिटर्न बैक वापस आ जाए। मतलब कुल मिला करके टाइलर ने ये प्रमाणित कर दिया, टाइलर ने ये प्रदर्शित कर दिया कि भटकी हुई आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, वो वापस आएगा तो मानव जीवित हो उठेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, ये टाइलर का स्टेटमेंट है। सर, आज भी बोला जाता है ना, आज भी बोला जाता है कि जैसे मरने के बाद लोग का पुनर्जन्म, और इसकी प्रमाणिकता विज्ञान के मुताबिक नहीं है लेकिन अनदर स्रोत से। लेकिन सवाल तो यह भी पैदा होता है, धर्म के हिसाब से अकाट सच है कि होता है। कारण क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना कि मानव के बॉडी और इसमें निवास करने वाली आत्मा में वही कनेक्शन है जो मोबाइल और सिम कार्ड में है। सिम कार्ड निकाल दो, मोबाइल बेकार है, तो आत्मा सिम कार्ड है और शरीर मोबाइल है। इसमें टावर का काम तभी करेगा, एक्टिवेट तभी करेगा जब इसमें आत्मा होगी। तो आखिर एक चीज़ सिंपल चीज़ है कि सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति आई, विज्ञान ने मानव शरीर के एक एक पार्ट का चित्र बना दिया, लेकिन कभी कोई ये बना पाया कि आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? लेकिन ये तौल जरूर लिया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम है। ये कैसे? जब मृत मानव और वही मानव जो जीवित था तो उसको वेट किया तो मात्र 21 ग्राम के वजन का अंतर आया। टाइलर ने आत्मावाद का सिद्धांत दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग प्रारंभिक कालखंड से जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें धर्म के मुताबिक सृष्टिकर्ता जो है भगवान है, हिंदू धर्म है तो ब्राह्मण है, हिंदू धर्म है तो ब्रह्मा है, इस्लाम मुस्लिम है तो इस्लाम है, ईसाई है तो यीशु है। लेकिन क्या सच्चाई यह नहीं है कि हम लोगों के पास हमारी सृष्टि बहुत पहले से? अगर है तो सवाल यह भी तो पैदा होता है कि धर्म में जो भी क्रियाकलाप होता है क्या वो वाकई धर्म है? आप अगर बत्ती दिखाते हो, अच्छत पानी गुंगुल छिटते हो, क्या वो धर्म के अंतर्गत है? क्या वो धर्म है? तो पता चलेगा कि धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हम लोग करते हैं वो धर्म कम है, विज्ञान ज़्यादा है। बतौर उदाहरण के रूप में सिंपल लैंग्वेज में समझना, गाय के गोबर से घर को लीपते हैं। एक बात बतलाओ यार, गाय के गोबर से घर को लीपने का क्या मतलब है और इसका उद्देश्य क्या है? सवाल पैदा ये होता है कि धर्म किसी की बपौती वस्तु नहीं है। धर्म एक सामाजिक सामूहिकता को प्रमाणित करता है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है कि धर्म में बहुत सारे लोग आए हैं, और अगर गांव देहात से तुम लोग रिप्रेजेंट करता होगा तो ये जानता होगा कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस मच्छर लगता है तो लोग क्या करता है कि बोरसी में गोइठा डालता है। यारा, गाय के गोबर में मच्छर को भगाने की अद्भुत शक्ति है। तो बतलाओ कि गाय के गोबर से संगमरमर के फर्श पर भी बैठता है लोग तो उसमें धर्म है कि विज्ञान है? तो पता चलेगा स्पष्टता विज्ञान है। दूसरी चीज़ ले लो, आदमी मरता है तो मुँह में गंगा जल डालता है, साला गंगा जल डालने से आदमी अगर स्वर्ग चल जाए तो पटना वाला सब स्वर्ग में रहेगा क्योंकि गंगा एक पानी सप्लाई है।
यारा गंगा के पानी में बैक्टीरिया फाज पाया जाता है, और फोकना फुलाएगी, फुलाओ जोर जोर से। गंगा के पानी में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया फाज पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को खा जाता है। यही कारण है कि मरने के बाद मुंह का टोटल बैक्टीरिया एक्टिव जो रहता है ना बाबू, वो पूरे मसल्स को फुलाना पकाना आरंभ कर देता है। तो मुँह में गंगा जल डाल दो, हाँ बेटा अगर मरते मरते तक गंगा जल को अगर घोंट लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गंगा जल मुँह में रह गया तो बैक्टीरिया फाज बैक्टीरिया को खा जाएगा, जिसके कारण मुँह फूलेगा नहीं। मतलब इसको लोग धार्मिक क्रियाकलाप मानता है, यहाँ धर्म है कि विज्ञान है, तो पाओगे एक सॉलिड विज्ञान है। तीसरा चीज़ देखो, बड़का बड़का हवन कुंड में आइटम सब जलाता है, जला करके कहता है वातावरण शुद्ध हुआ। अब तुम ही बदलाओ, कोई भी चीज़ को जलाओगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा कि ऑक्सीजन फॉर्म होगा? तो बट नेचुरल है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा जलाने पर, तो वातावरण शुद्ध कैसे हुआ साला? कर तो रहे हैं अशुद्ध, लेकिन डायलॉग मार रहे हैं शुद्ध हुआ। लेकिन जो आइटम जलाते हैं, जैसे घी डालते हैं, उसमें गुंगुल होता है, अच्छा होता है, और लकड़ी अलग अलग टाइप का होता है, उसमें इतनी अद्भुत क्षमता होती है धुआं में कि इन्वायरमेंट में फैले हुए बैक्टीरिया को, कवक को, वायरस को भगा देता है। तो बदलाव वो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से बेहतर हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि धर्म किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुतों को बीमारी ऐसी होती है जो बीमारियां सांस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वैसा ना हो इसके लिए प्रावधान है। इसलिए हवन कुंड में उन तमाम तरह के आइटम। अच्छा एक बात बोल रहा हूँ, महिला लोग पैतरा देती है, थाली में घी ती जला करके ऐसे ऐसे भगवान को हवा धोंकती है। अब तुम ही बताओ, अगर तो नकवक आगे ऐसे धुआं मरे तो क्या करेगा? हर हर महादेव के मुड़िया में इतना पानी डालता है, अगर पत्थरवा में जान रहता तो उठ के तराक छाव छोड़ छप्पर मार देता कि नहीं? यार उस साइंटिफिक रीजन पर आधारित है, वहाँ एक विज्ञान है, वहाँ दूर दूर तक कहीं धर्म नहीं है। देखते हो लाल रंग के कपड़ा से धर्म ग्रंथ को बांधता है साला, कल का कपड़ा से बांध देते लिखल का उड़ जाएगा कि? लाल रंग में खासियत यह होती है कि उसमें दीमक नहीं लगता। तो प्राचीन कालखंड का जो भी है, आप जैसे कहते हैं जाते समय बोल दही मछली, दही की क्या खासियत है जानते हो? बॉडी में मिनरल की आपूर्ति जबरदस्त करता है। प्राचीन कालखंड में होटल नहीं होता था कि कदम कदम पर गए होटल बैठा या खाना खा लिए, पानी पी लिए, टाइट होके चल दिए। मछली प्रोटीन का स्रोत है, तो दही बॉडी को, दही का दो विशेषता होती है, मिनरल की आपूर्ति और भूख कम लगना, और प्रोटीन का भरपूर स्रोत है मछली। तो अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुमको प्रोटीन भी मिल गया और दही के माध्यम से मिनरल भी मिल गया, भूख भी मर गया। तो ये बतलाओ कि इसमें कहाँ तुमको दिख रहा है कि धर्म है? धर्म उस जमाने का विज्ञान था। देखते हो सूरज को जो देता है कौन सी, पानी डालता है तो सूरज की ओर मुंह करके डालता है, चला पिटिया नहीं करके काहे डालता है? सनलाइट जब पानी पर पड़ेगा ना तो प्रिज्म का काम करेगा, कलर सात रंग में विभक्त होता है, सातों रंगों का पेनेट्रेटिंग पावर अलग होता है, और सातों रंग शरीर की स्किन में फैले हुए बैक्टीरिया को मार देता है। और विश्वास मानो कि स्किन डिजीज को दूर करता है। यही कारण है कि आज भी वो प्रचलन है, आज भी सूरजाई से लेकर के छठ तक की पूजा होती है। तो ये तो स्पष्ट है कि कभी भी धर्म विज्ञान को, साइंटिस्ट पृथ्वी के उद्भव और विकास को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं करता। अगर करता तो मैं ऋग्वेद की चार पंक्ति सुना रहा हूँ जिसमें ये साफ कहता है कि, ये ऋग्वेद का पंक्ति है कि तब ना था अभाव क्योंकि थी ना विद्यमानता, तब ना था अभाव क्योंकि थी ना विद्यमानता, वायु था ना वायु पर अंतरिक्ष का पता, वह आवरण पदार्थ कौन किस गहन प्रभाव से अमापीय विश्व जल बहा। तब ना था अभाव क्योंकि थी ना विद्यमानता, वायु था ना वायु पर अंतरिक्ष का पता, वह आवरण पदार्थ कौन किस गहन प्रभाव से अमापीय विश्व जल बहा। ये ऋग्वेद की पंक्ति देखो तो क्या है इंक्वायरी, हम मैं पुनः दोहराऊं, तब ना था अभाव मैंने अभाव नाम का कोई चीज़ नहीं था क्योंकि थी ना विद्यमानता, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं था,
वायु था ना, वायु पर अंतरिक्ष का पता, ना हवा है ना अंतरिक्ष है, वह आवरण पदार्थ कौन, किस गान प्रभाव से अमापीय विश्वजल प्रभाव, विश्वजल पा स्वभाव यह है कि वैसी कौन सी शक्ति जिसके आने के बाद, किसके आने के बाद जीवन आया। ये ऋग्वेद की पंक्तियां हैं बॉस, जो साफ कहता है कि तब अभाव नाम का चीज नहीं था क्योंकि कोई भी चीज विद्यमान नहीं था, जल आया तो जीवन आया। सवाल ये है कि जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहते हैं। इन तमाम चीजों की चर्चा के संदर्भ को जान लो कि ये स्पष्ट इंडिकेट करता है, ये स्पष्ट बताता है कि पृथ्वी पर उद्भव और विकास की पूरी प्रक्रिया अगर आरंभ से हुई होती तो ऋग्वेद में इन पंक्तियों के होने का कोई जगह नहीं होता। सवाल यह पैदा होता है कि विज्ञान क्या कहता है। ये स्पष्ट है कि पृथ्वी के उद्भव और विकास को धर्म किसी भी कीमत पर अस्पष्टता और परमाणिकता के साथ परिभाषित नहीं करता। यारा धर्म जीवन जीने की कला को बताता है। धर्म और मजहब के नाम पर लड़ना बहुत बड़ी चुतियापा है जो कभी किसी इंसान को और पढ़े लिखे लोगों को करना नहीं चाहिए। तो लोगों को वीडियो के संदर्भ में जो भी लगे, अस्पष्टता लगे, साफ सुथरा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब हम अपेक्षा करेंगे कि कर दें, लेकिन जो भी व्यू हो वो व्यू को कम से कम कमेंट करके जरूर बता दें। जय हिंद, जय भारत।